न जाने कब कौन यहां सीधे आपको पटक दे, न जाने कौन यहां आपके इरादों पर तिरछी नजर से वार करे, ढाई कदम से कौन आपकी राह रोक दे। चौतरफा वार होता है यहां भैया, चौतरफा वार, जहां काले और गोरे का भेद मुश्किल होता है, जहां शय और मात का खेल चलता है। ये शतरंज है बाबू, शतरंज, जहां विषाद लगाए बैठे हैं लोग आपके सपनों पर, और जिंदगी भी शतरंज की तरह है, जहां तिरछी नजर आपके इरादों पर वार करती है और सीधे आपके मनोबल को तोड़ती है, और ढाई कदम आपके सपनों की राह का रोड़ा बनती है। यही विषाद आपकी सफलता के सारे रास्ते बंद करता है। इसी शतरंज में जीत उसकी होती है जो अपने मनोबल के साथ तरीके से अपनी चाल को चलता है, वही हकदार होता है डायमंड शिप का। इसी मनोबल और सिस्टम के साथ चलने पर जिसने पाया नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड शिप का खिताब, वो है मिस्टर चित्रंजन समल। समल बीएसएफ में कार्यरत चित्रंजन समल उड़ीसा के बेटलाना गांव पोस्ट विश्वनाथपुर जिला कालाहांडी में श्री चतुर्भुज समल और श्रीमती जयंती समल के घर 19/8/1980 को जन्म लिया। एक बड़े भाई और एक छोटी बहन के साथ बचपन की शुरुआत की। पिता श्री चतुर्भुज स्कूल में शिक्षक थे। और माता श्रीमती जयंती समल घर संभालती थी। शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई, 12वीं गोपा बंधु हाई स्कूल से, और मां हीरा नीला महाविद्यालय से स्नातक किया। हाथों में बीए की डिग्री, आंखों में बड़े सपने और दिल में जोश, चल पड़े नई राह की तरफ। तो व्यवसाय का इरादा कर कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहे। मेहनत ने बीएसएफ की नौकरी दिला दी। अब शरीर को दक्ष और मजबूत बनाने का कार्य शुरू हुआ। समय गुजरा, उम्र बढ़ी तो पिता ने कविता को चित्रंजन का जीवन साथी बना दिया। कविता अपनी सुंदरता के साथ भाग्य को अपने साथ लेकर आई। समय व्यतीत हुआ, बेटी चित्रप्रभा का जन्म हुआ। आंगन बेटी की किलकारी से गूंज उठा। 2014 में बेटे किरण कुमार ने परिवार को पूरा कर दिया।
नौकरी जारी थी पर सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मुलाकात हुई, उसे ज्वाइन कर लिया। इरादा सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करना था, अर्थ से, समय से और अपने सपनों से। तो नेटवर्किंग की फील्ड में आ गए। घर परिवार ने विरोध शुरू कर दिया पर चित्रंजन अपने इरादों पर डटे रहे। शुरुआत में लोग मना करते, जहां लोग हताश होते वहीं चित्रंजन इंजॉय करते, क्योंकि नौकरी की मेहनत के आगे ये सब आसान था। इस एंजॉय ने ना लोगों को प्रभावित किया बल्कि अप्लाई ने इसी गुण को तराशना शुरू कर दिया। लोगों से जुड़ाव बढ़ने लगा। सहायता की 10,000 की टीम पूरी करने में और सेफ शॉप बिजनेस कंपनी में डायमंड लीडर बनी और अपने आप को, परिवार को, अपने सपनों को